सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा को हम दो माध्यमों से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और ये दो रूप हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप व लिखित रूप। मौखिक भाषा जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करें, लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करें। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि टीचर बच्चों को बोलकर अपने विचार प्रकट कर रही है, तो यह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और बच्चों भी अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहा है। और इस चित्र में दो बच्चे टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? मौखिक। और इस चित्र में बच्चा लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि यह भाषा का लिखित रूप होता है। मातृभाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, और राष्ट्रभाषा जो हमारे राष्ट्र की भाषा है वह हिंदी है, और राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। और बोली क्या होती है? एक छोटा रूप, एक छोटे रूप को बोली कहा जाता है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और लिपि क्या होती है? लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। और मराठी भाषा की, उसकी भी देवनागरी है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। साहित्य ज्ञान के संचित रूप को साहित्य कहते हैं। और व्याकरण शुद्ध रूप को, जिससे हमें शुद्ध बोलना और लिखना आए, वह क्या कहलाता है? वह व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये लेसन